हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीम एमएसटी गेमिंग में। दोस्तों, आज लेके आए आपके लिए अलग अलग जोन से कोर रिकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भाई चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मुझे डीआरएम सर से आपका नंबर मिला था। मैं एएलपी कैंडिडेट बोल रहा था। सर एक्चुअली सर 1 सितंबर को मेरी ज्वाइनिंग है, तो सर मैं ये जानना चाह रहा था हमें तुरंत ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। जैसे मैं राजस्थान से आने वाला हूँ तो उस हिसाब से मुझे सर प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। तो सर हमें तुरंत ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा या फिर हमें मतलब हमारा कोई ट्रेनिंग शेड्यूल है सर, तो वो उसकी जानकारी अभी अभी आपको जब आप आओगे उसके पहले बता दिया जाएगा। अभी ट्रेनिंग शेड्यूल डिसाइड नहीं हुआ है। अच्छा, और अभी हो सकता है आप लोग सितंबर की डेट भी आगे बढ़े। अच्छा, वो ट्रेनिंग जो है इंस्टीट्यूट मिल नहीं पा रहा है, इसके भी आपकी डेट भी आगे बढ़ी। सर एक्चुअली भुसावल ने भी ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। हाँ, तो वो जो है अभी भुसावल ऑनलाइन ट्रेनिंग नए वाले एलपीएस के लिए नहीं की है। अभी अच्छा। वो जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं के लिए की है। तो सर हम लोग का कब तक एक्सपेक्टेड रहेगा सर? वो जब तक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा तो वो चालू नहीं कर देता भुसावल वाले वहीं पर ही फिजिकली। अच्छा, तो मतलब सर अगर हम भुसावल वो लास्ट में अगस्त में एंड में बता भी दें। अच्छा, तो सर अभी उन्होंने अभी अपन को मतलब कंफर्म कर दिया अभी तो उन्होंने। अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, उनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप करिए, अभी उन्होंने मना कर दिया। ओके सर, और जब भी आना तैयारी से ही आना। ओके ओके ओके, जब भी आना है तैयारी से आना। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं एएलपी कैंडिडेट बोल रहा हूँ सर। कुछ अपडेट मिलेगा सर? ट्रेनिंग डेट अभी नहीं मिलेगा यार, टाइम लगेगा। वो व्यक्ति भी आके सर जाके इंस्टीट्यूट पूरा देखना है, अगर फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है बोलते वो कॉन्फ्रेंस में आने के बाद वो डेट देगा। अगस्त में सर, ये सितम्बर जाएगा। अगस्त एंडिंग एंडिंग हेलो, गुड मॉर्निंग सर, बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर, एलपी कैंडिडेट बोल रहा हूँ सर। आप सर सीनियर डिप्लोमा है भाई? मेरे रिक्रूटमेंट का एक, हाँ सर सुनो, रिक्रूटमेंट का एक नंबर दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, उसपे संपर्क कर। डीआरएम सर को हम मैसेज किए थे तो वो बोले सीनियर डिप्लो से कॉन्टेक्ट करो ज्वाइनिंग के लिए, वो डायरेक्ट मैसेज किए हैं। हेलो, कौन मैसेज किया है? डीआरएम सर मैसेज रिप्लाई बैक किए हैं, सीनियर डीपीओ से कांटेक्ट करो ज्वाइनिंग के लिए सर, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं सर, जो करेंगे सीनियर डीपीओ करेंगे। तो मेरी बात हो गई है डीआरएम सर से, मैंने बता दिया पर आप लोगों को संपर्क कर लिया जाएगा। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो सर? एक साल हो यार, मैं क्या करूँ बताओ मेरे। एटलीस्ट सर आप ज्वाइनिंग तो ज्वाइनिंग दे सकते हैं। ज्वाइनिंग यार मैं वैकेंसी के अगेंस्ट में दूंगा ना, जब लोग ट्रांसफर होकर जाएंगे तभी तो तुम्हारी वैकेंसी क्रिएट होगी ना। तो सर वहाँ वैकेंसी शो कर, हम लोग का हो चुका ऑलरेडी एक साल ऑलरेडी। यार तुम्हारा तुम समझ नहीं रहे हो, हम लोग एंटिसिपेटेड वैकेंसी पे काम करते हैं कि वैकेंसी हो जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा पैनल जो होता है वो तुम्हारा 2 साल के लिए वैलिड होता है पैनल, 2 साल में कभी भी ज्वाइनिंग दे सकते हैं तुमको। सर हम लोग जो आरटीआई किए थे, आरटीआई के अकॉर्डिंग सितंबर 2020 तक उतना वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। आप लोग सर रिप्लाई किए हुए हैं आरटीआई का। यार तुम समझ नहीं रहे हो, तुमसे पुराना एक बैच, अभी 180 लोगों का बैच, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली 21 अगस्त को। हाँ, 6 महीने ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद तुम लोग का स्लॉट आएगा ना। 6 मंथ के बाद तो सर ज्वाइनिंग भी नहीं दीजिएगा अभी। अभी कैसे ज्वाइनिंग दे देंगे तुमको? एक बात बताओ, तुम्हें ज्वाइनिंग के बाद तुम्हें ट्रेनिंग पे तो कराना होता ना। तुम ट्रेनिंग पे जाओगे ना, तुम लोग को यहाँ पर कोई काम तो होता नहीं है। नहीं, पहले तो ट्रेनिंग होगी ना तुम्हारी 6 महीने की। तो सर और मतलब हम लोग को 6 से 8 मंथ वेट करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए। यार वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा तुम लोगों को, जब तक पुराने तुम्हारे जो सीनियर हैं एएलपी वाले, उन लोगों की ट्रेनिंग अभी तक नहीं हुई है कोरोना के चलते। यस सर, पता है कि नहीं पता है? वो तो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं ट्रेनिंग, तो पहले उन लोग की ट्रेनिंग खत्म होगी कि तुम लोग की पहले उनके साथ करा देते? नहीं तो सर हम लोग को और 1 साल लगभग 6-7 महीना वेट करना पड़ेगा ना। वेट करना पड़ेगा, जैसे उन लोग की ट्रेनिंग, सुनो। हाँ सर, अभी ट्रेनिंग करके वो आएंगे, उससे पहले वाला जो बैच है उसकी भी अभी डीजल और इलेक्ट्रिक की ट्रेनिंग जो है फील्ड ट्रेनिंग, वो लोग 15 सितंबर तक डिवीजन में रिपोर्ट करेंगे 1 महीने बाद। जब वो लोग आ जाएंगे उसके बाद हम लोग उसमें से जैसे जैसे लोगों के ट्रांसफर होते जाएंगे तो हम ZRTI की बात करेंगे कि जो अभी जो नए ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, इन लोग की जब ट्रेनिंग खत्म होगी तब तुम लोग के लिए बैच अलॉट होगा वहाँ से। ओके, मतलब अभी टाइम लगेगा सर? अभी टाइम लगेगा यार, और पैनल की वैलिडिटी जो है अभी है, लंबी काफी होती है, ऐसा नहीं है। ओके, तुम लोग इसीलिए कह रहे हो, तुम लोग चिंतित मत हो। नहीं सर, डर लग रहा है, सपोज अगर पैनल की वैलिडिटी खत्म हो जाएगा तो हम लोग के पास कोई जॉब नहीं रहेगा, ऐसे 1 साल 2 साल से घर में बैठे डर लगता है, इसलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर हम लोग, और कोई बात नहीं है सर।
गवर्नमेंट जॉब का वैल्यू होता है सर, रेलवे का जॉब का बहुत वैल्यू है, इसीलिए कॉल करते हैं आपको।